केंद्र सरकार के गद्दी पे जो लोग बैठे हैं उनको हटाया जाए। बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव शनिवार 11 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राजद के नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ तेजस्वी यादव का स्वागत किया। दो दिवसीय झारखंड दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से कहा कि चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को गोलबंद करेंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। पहले से हम लोगों का तय कार्यक्रम था, लेकिन बीच में आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी की तबियत जब खराब हुई उसके बाद से जो है वो कार्यक्रम जो है स्थगित हो गया था। और आप लोग जान रहे हैं महीने में एक दिन आने का बेड़ा यहाँ था, यहाँ आकर के संगठन और पार्टी के कामकाज को हम लोग देखेंगे। तो अब लालू जी वापस आ रहे हैं, आज वो दिल्ली रात में पहुंच जाएंगे, अब स्वस्थ हैं। और बिहार में जिस प्रकार से फेरबदल हुआ सरकार को, तो हम लोगों की व्यवस्था जो थी वहाँ थी, इस कारणवश जो है मौका नहीं मिल पा रहा था और जिम्मेवारी भी मिली है। तो पूर्व में जैसा कार्यक्रम था महीने में एक दिन यहाँ आने का, तो हम लोग जो है इसकी शुरुआत फिर से जो है कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि सांप्रदायिक शक्तियों को आने वाले समय में केंद्र सरकार के गद्दी पे जो लोग बैठे हैं उनको हटाया जाए। और आप सबको पता है महाराष्ट्र झारखंड में क्या खेला हो रहा था, और बीजेपी को एहसास भी नहीं हुआ कि बिहार में उनके साथ क्या हो गया। तो हम तो दुष्काम में लगे हुए थे, और यहाँ भी अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम जा रहे हैं मुलाकात करने, उन्होंने समय दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी ये चाहत है और ये कोशिश है कि सारी विपक्षी दल जो है गोलबंद होकर के चुनाव लड़े। खास तौर पे जो रीजनल्स पार्टी हैं वो जिस भी क्षेत्र में राज्यों में स्ट्रांग हैं उनको जो है मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। तेजस्वी जी की चाहत होती है कि ज़्यादा सीटों पे लड़े, लेकिन हम जो है विजिबिलिटी फैक्टर पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो जहाँ मजबूत है उसको वहाँ जगह मिलनी चाहिए। के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।